हाय दोस्तों, फारिक फैशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी सिलाई मशीन की नीचे की सिलाई ख़राब आए तो हम क्या करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल का बटन दबा दें, जिससे कि नए वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन जानकारी मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आज का जो हमारी टॉपिक है और सिलाई मशीन में नीचे की सिलाई ख़राब आए तो हम क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने नीचे का सिलाई इस तरह मारा है, तो इस तरह सिलाई हमारी मशीन दी है, तो इस तरह सिलाई दी है, तो इसका मतलब कि इसको हम थोड़ा सा भी ओपन करेंगे यहाँ से तो ये सिलाई बकवास एकदम, कोई भी मतलब परचेस ये नहीं करेगा, ये सिलाई ये फटाफट ये सिलाई टूट जाएगी, खुल जाएगा। तो इससे सही कैसे करें, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सही करने के लिए एक बार आपको मार के दिखा देता हूँ सिलाई स्टिचिंग कि ये सिलाई मशीन कैसी दे रही है, आपको प्रूफ के साथ आपको पता चल जाए। तो ये देखिए हमारी मशीन सिलाई किस तरह से आड़ा टेढ़ा और फूला फूला जैसा सिलाई ये मशीन लगाई है, तो ये सिलाई बिल्कुल ख़राब आ रही है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, ये सॉल्यूशन को, तो ये देखिए हमारी सिलाई इस तरह आ रही है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, ऊपर में यहाँ पे आएंगे हम सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे स्प्रिंग के पास देखेंगे। इसको सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमारा धागा सही से लगा हुआ है। अगर हमारी नीचे की सिलाई ख़राब आ रही है तो सबसे पहले काम आपको करना है ऊपर की तरफ, अगर नीचे की सिलाई याद रहे आप याद इसको कर लीजिए एकदम, कि अगर हमारी मशीन में नीचे की सिलाई ख़राब आ रही है तो आपका मेन प्रॉब्लम जो है ये ऊपर से ही स्टार्टिंग है, और अगर ऊपर से सिलाई ख़राब आ रही है तो नीचे का ही प्रॉब्लम, नीचे में ही प्रॉब्लम उसका छिपा हुआ है। तो इसका प्रॉब्लम समझिए कि ऊपर से है, अगर हमारी सिलाई नीचे से ख़राब दे रही है मशीन तो इसका प्रॉब्लम ऊपर से है। तो ये देखिए जो हमारा स्प्रिंग है, इसको हम इसको टाइट करेंगे, हल्का सा इसको टाइट करेंगे, ये ज़्यादा लूज़ होने के बाद ये देखिए, ये ज़्यादा जब लूज़ हो जाती है तो मशीन सिलाई ख़राब देना स्टार्ट कर देता है। इसलिए कई बार हम न्यू मशीन परचेस करने के बाद लाते हैं तो हमें इसका उपाय पता नहीं रहता है कि हम क्या इसको करें, तो इसलिए इसको सबसे पहले आप इसको टाइट करिए, ज़्यादा नहीं, इसको नॉर्मल टाइट करेंगे, बस इसको यहाँ तक इसको टाइट कर लेंगे और इसे देखेंगे, और अगर आपको सही फिर भी नहीं होता तो इसको और टाइट करके देखिए, जहाँ आपको सही परफेक्ट सिलाई मिल जाए वहाँ पर आप टाइट करना इसको बंद कर दें। तो ये इसका मेन रीज़न है। और यहाँ पे देखें, कई बार हम मशीन में धागा सही से नहीं लगाते हैं, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ का देखिए, ये सेंटर है, इसको इसमें धागा बराबर फंसना चाहिए, देखिए ये जो गाट है इसमें, ये जो गड्ढा ऐसा है इसमें धागा बराबर इस तरह इसमें फंसना चाहिए, तब हमारी मशीन सिलाई सही देगी। इसमें धागा बराबर परफेक्ट फंसना चाहिए और उसके बाद इसमें से फिर इसमें से यहाँ पे बराबर पर सिलाई यहाँ पे ये धागा जो आपको दिखाई दे रहा है ये परफेक्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो ये मेन रीज़न है नीचे की सिलाई मशीन ख़राब करने का, तो इसको टाइट करके आप देखें, आपकी मशीन का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपकी मशीन की नीचे की सिलाई ख़राब आ रही है तो ऊपर ही आप चेक करें कि हमारी मशीन कहाँ से प्रॉब्लम है, तो इसमें मेन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है इसका, और धागा चेक करें कि आप मशीन में धागा सही से लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पे मेन आपको मैं समझा दिया हूँ, इसी को आप इसी का मेन इसका यही रीज़न है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब एक बार दिखा देता हूँ आपको सिलाई स्टिचिंग करके, ये तीन सिलाई मैंने पहले से मारा है और नीचे की सिलाई बार बार जब भी
12 है तो ख़राब आई है। अब देखते हैं कि हमारा अब ये ऊपर का स्प्रिंग वाला जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया ये सॉल्व कर हो चुका है। तो अब इसको हम देखते हैं कि हमारी मशीन सिलाई कैसी दी है। तो ये देखिए हमारी मशीन 100% सिलाई एकदम बेहतरीन मार चुकी है। तो उसको टाइट करके हम देखेंगे, ये देखिए ये सिलाई। ये देखिए दोस्तों ये सिलाई ख़राब और ये सिलाई भी ख़राब। ये हल्का सा आड़ा टेढ़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये जो सिलाई मैंने नीचे का मारा है आपके सामने भी आपको मार के बताया, तो ये नीचे की सिलाई कितना खूबसूरत आया है। तो ये इसका मेन रीज़न है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।